हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। आप लोग को मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं होली की तैयारी करने जा रही हूँ। होली का स्पेशल कुछ बनाने जा रही हूँ, नमक फारे और शुगर फारे। तो यहाँ पे नमक फारे बनाने के लिए मैंने ले लिए है 1.5 कप आटा। आटे को मैंने अच्छे से छान लिया है। छानने के बाद उसमें थोड़ा सा नमक डाल दी हूँ। नमक डालने के बाद काला जीरा यानी मोंगरेल और 4 चम्मच रिफाइंड डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के एक सख्त डो बना लेना है। एक सख्त डो बनाने के बाद आपको सीधे आ जाना है किचन में। किचन में आने के बाद ये देखिए रोटी की तरह बेल लेना है। आटा सख्त लगाना है तभी नमकीन अच्छे बनते हैं, नमक वाले अच्छे बनते हैं, नहीं तो फिर वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो आटा सख्त लगाने के बाद यहाँ पे मैंने देखिए रोटी की तरह बेल लिया था। रोटी से थोड़ा मोटा ही रखी थी। उसके बाद उसको मैं अपने चोकर चोकर से अपने काट ली थी छोटे छोटे टुकड़ों में। आप चाहिए तो किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैंने चोकर शेप में काटा था। चोकर शेप में काटने के बाद यहाँ पे मेरा तेल गर्म हो गया था, तो मैं यहाँ चेक कर रही थी कि तेल गर्म हुआ कि नहीं। तो मेरा तेल जैसे ही गर्म हो गया, मैंने नमक वारे को यहाँ पे छोड़ दिए। नमकीन बनाने के लिए यहाँ पे मैंने तेल पे डाल दिए हैं। तेल पे डालने के बाद इसको ये अपने आप ऊपर आ जाते हैं, जैसे जैसे पकना स्टार्ट होता है ये ऊपर आ जाते हैं, तेल में तैरने लग जाता है। तो फिर ऊपर आ रहे थे धीरे धीरे। तो यहाँ पे सारे नमक फारे ऊपर आ गए थे तेल के ऊपर सब फूल के। 10 मिनट इधर उधर उलट पलट चलाने के बाद देखिए मेरे नमक फारे बिल्कुल तैयार हैं, गोल्डन कलर में आ गया है। इसको एकदम धीमी आंच में पकाना है, एकदम धीरे धीरे आंच में पकेंगे तो ही क्रिस्पी एंड करारा बनते हैं, नहीं तो फिर ये सॉफ्ट हो जाते हैं। तो मैंने धीरे धीरे एकदम धीरे आंच में लो फ्लेम पे पकाया है इन सबको। देखिए कितना ही प्यारा कलर आया है और बहुत ही अच्छे से आवाज़ कर रहा था। जब मैं प्लेट में निकाल ये देखिए मैं प्लेट में निकाल रही हूँ तो इसका आवाज़ बहुत ही अच्छे से आ रहा था। उसके बाद मैं ऐसे करके दो बेस भी मैं पका लेती हूँ। दोनों बेस को मैं तल लेती हूँ ऐसे ही करके। देखिए ऊपर आ चुके हैं, ये भी मेरे जैसे ही तेल में गए, कुछ देर बाद ऊपर आ गए, तेल के ऊपर आ गए। उसके बाद मैंने सोचा कि चलो जो चाट के ऊपर डाला जाता है ना, वैसे छोटे छोटे टुकड़ों में नमकीन बनाते हैं। तो ये देखिए मैंने मिनी एकदम छोटा छोटा सा कट कर लिए थे, एकदम छोटा छोटा सा कट करके। और ये देखिए मैंने छोटा छोटा भी तल लिया था। ये बेस मेरा हो चुका था, एकदम मिनी नमकीन थे। उसके बाद मैंने दूसरा बैच एकदम मिनी वाला को डाल दिए। देखिए ये सब कैसे फूल के एकदम तैयार तेल के ऊपर आ रहे हैं। जो मिनी नमकीन थे ये देखिए सारे के सारे तेल के ऊपर तैर के आ चुके हैं। ये देखिए तो यहाँ पे मैं कुछ देर चला लेती हूँ, फिर इन सबको भी उतार लेती हूँ। इस तरह से करके मैंने नमक फारे को उतार लिए। और इसी आटे से मैंने शक्कर पारे भी बनाने हैं। तो शक्कर पारे बनाने के लिए मैंने इसको थोड़े मोटे और लंबे आकार में काटे हैं। इसको थोड़ा लंबा रखी हूँ और थोड़ा मोटा है और थोड़ा लंबे आकार में काट के इसको अच्छे से सीख लेती हूँ। एक बेच तो मैंने सीख लिया था, ये दूसरा बेच मैं सीख रही थी। तो उधर मैं देखिए वो दूसरे चूल्हे पे मैंने वहाँ पे पानी डाल दिए। पानी डालने के बाद मैंने चीनी डाल दिए। चीनी डालने के बाद देखिए चाशनी में तैयार कर रही हूँ ताकि शुगर पारे बन जाए साथ ही में। तो उधर चीनी को चाशनी को भी मैं लगातार चलाई जा रही हूँ, इधर मैं नमकीन को भी फ्राई कर रही हूँ, तल रही हूँ। वहाँ पे मैं चेक कर रही थी कि मेरा चाशनी बन गया कि नहीं, तो उधर अभी थोड़ा लेट था, लगभग बन चुका था। और इधर भी मेरा ये नमकीन लगभग बन चुका था, तो उधर चाशनी भी लगभग हो ही गया था। तो इसको मैं निकाल लेती हूँ।
इधर मैंने जो सेक के रखे थे उसको मैंने निकाल लिया है। निकालने के बाद चाशनी मेरा रेडी था, तो चाशनी में मैं डाल देती हूँ। चाशनी में जैसे ही डालते हैं उसके बाद इसको लगातार चलाना है ताकि शुगर इसके अंदर तक चला जाए। गर्म चाशनी में गर्म नमकीन है तो ये इसमें अच्छे से चल ही जाएगा, अंदर तक चाशनी चला जाएगा। फिर मैं इसका आँच तेज कर देती हूँ कि जल्दी से सोख ले। तो ये देखिए कुछ देर चलाने के बाद इसको लगातार चलाते रहना है। उसके बाद देखिए ये देखिए मेरा शक्करपारे बन के रेडी है। मेरे शक्करपारे बन के रेडी है। शक्करपारे बनाने के बाद ये देखिए मैं प्लेट में सर्व कर ली हूँ। एक तरफ मिनी नमकीन है, एक तरफ थोड़े से बड़े हों से, और ये मेरे बीच में शक्करपारे। शक्करपारे मैं तोड़ के दिखा रही हूँ कि बहुत ही खस्ता और क्रिस्पी बना है मेरे शक्करपारे। कैसा लगा मेरे शक्करपारे की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताना यार। ये रहा नमकीन। उसके बाद मैं आ जाती हूँ गुजिया बनाने की तैयारी करती हूँ। तो गुजिया बनाने के लिए मैंने फिर से 1.5 कप मैदा लिया है। मैदे में 4 चम्मच रिफाइंड डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर ली हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़ा थोड़ा सा पानी लेके, एकदम हल्का सा पानी लेके एक सख्त डो बना लेना है। बहुत ही टाइट नहीं, मीडियम में थोड़ा सा सख्त डो बना लेना है। सख्त डो बनाने के बाद उसको मैं ढक के रख दी थी। ढक के रखने के बाद किचन में यहाँ पे आपको लेना है 2 चम्मच घी एकदम भर के, और घी लेने के बाद आपको डालना है सूजी। तो मैंने 1 कप सूजी डाला है। 1 कप सूजी डालने के बाद इसको मैं अच्छे से कलर गोल्डन गोल्डन ब्राउन कलर तक आने तक इसको भून ली हूँ। भूनने के बाद इसको ठंडा होने के लिए निकाल ली हूँ दूसरे एक बड़ा पतीला में। निकालने के बाद मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल देती हूँ सूजी में। चीनी पीस के रखी थी और 3-4 इलायची कूट के रखी थी, सारे को मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। ये देखिए मेरा मिक्सचर तैयार है, बन के पूरा तैयार है। अब मैं मिक्सचर तैयार हो गया है तो मैं आटे को ले लेती हूँ। आटे को थोड़ा सा तेल लगा के फिर से थोड़ा देर के लिए मसल लेती हूँ। मसलने के बाद इसको छोटे छोटे लोहे में टुकड़ों में काट लेती हूँ, इसको गोल कर लेती हूँ। ये देखिए मैंने कर लिया है, तो आप लोग को भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मैं इसको अच्छे से बेल लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग को भी एकदम अच्छे से बेलना है। देखिए मेरा गुजिया मेकर बहुत ही बड़ा है, तो इसीलिए मैंने बहुत बड़ा बनाई हूँ। पूरी से भी ज़्यादा पूरी से भी ज़्यादा मेरा बना है ये। तो फिर मैंने यहाँ भर के 1 चम्मच डालती हूँ मिक्सचर, और उसके बाद इसके चारों तरफ पानी लगा देती हूँ। पानी गीला कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि अच्छे से चिपक जाए। पानी लगाने के बाद इसको मैं साइड से ये कर लेती हूँ कि उधर मिक्सचर बाहर ना हो जाए। और ये देखिए मेरा, इसको मैं अच्छे से दबा लेती हूँ, और इसका एक्स्ट्रा जो आटा है उसको मैं निकाल देती हूँ। एक्स्ट्रा आटा निकालने के बाद ये देखिए गुजिया बन के रेडी है। इसी तरह और एक मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है। तो एक लोई लेना है, लोई को अच्छे से बेल लेना है। लोई को ज़्यादा मोटा ज़्यादा पतला नहीं करना है, उसको मीडियम में रखना है। ये देखिए मैं जितने में रख रही हूँ वैसे ही बेलना है एकदम। ज़्यादा मोटा रखोगे तो क्रिस्पी नहीं हो पाएंगे, और ज़्यादा पतले रखोगे तो वो मिक्सचर निकलने का डर रहता है, बीच से फट जाते हैं। तो उसी तरह मैंने दो वाली गुजिया को भी, ये दूसरे वाली गुजिया को भी मैंने वैसे ही किया है। देखिए मिक्सचर पूरा एकदम भर के डाली हूँ, और उस साइड से पानी लगा के, पानी लगाने के बाद मैं इसे दबा देती हूँ। दबाने के बाद जो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा आटा है, मतलब एक्स्ट्रा मैदा जो है उसको मैं निकाल लेती हूँ, तोड़ लेती हूँ। तोड़ने के बाद ये देखिए मेरा भुजिया बन के रेडी है। मैंने 4 बना लिए थे, तो मेरा इधर तेल भी चेक कर ली थी, तेल मेरा हो चुका था गर्म, तो इसमें मैंने भुजिया को डाल दी। डालने के बाद इसको मैं टच नहीं करती हूँ, टच नहीं करना है आप लोग को भी। और जैसे ही ये ऊपर अपने आप सीक के ऊपर आ जाते हैं तब इसको थोड़ी देर नीचे तरफ पकने देना है, फिर इसको पलट देना है, ये अपने आप तेल के ऊपर आ जाते हैं। और ये देखिए मेरा 1 बेज तो बन चुका था। अब मैं इधर देखिए, उधर जब तक सीख रहा था तब तक मैं ये सारे गुजिया बना लिए थे। इतने सारे गुजिया, वो 3 जो थे वो मैंने हाथ से बनाई हैं, और ये गुजिया मेकर से बनाई हूँ।
तो आप लोग को कौन वाला अच्छा लग रहा है, जो हाथ से बनाई हूँ वो वाला कि जो गुजिया मेकर से बनाई हूँ वो, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अब मैं ऐसे दूसरा बैच भी ऐसे ही डाल देती हूँ। ऐसे ही मैंने दूसरा बैच भी डाल दिया है। जब तक मेरा ये दूसरा बैच सीख रहा है तब तक आप लोग क्या कर रहे हो भाई, मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर लीजिएगा। और मेरी रेसिपी आप लोग को कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ भी ये देखिए तेल के आ गया था ऊपर, इसके बाद मैं इसको भी पलट देती हूँ। इसे करते करते मैंने सारे सारे गुजिया को सेक ली थी, मतलब सारे गुजिया तो मेरे अगर बन आप चुके मेरे थे। ये वीडियो देखिए में नए मेरे हो तो गुजिया मेरे बनके चैनल को रेडी है, सब्सक्राइब कर तो लीजिएगा, आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इस एक लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लगती है। थैंक यू।